This movie is encoded by Dr. Star.请慢，皇上，雪英毕竟是您的堂妹，您真的决定开棺验尸吗？皇叔，越是这样，越要查明真相。 पीला फास्फोरस? शरीर से आग कैसे निकल सकती है? कई हड्डियां टूटी हुई हैं और हड्डियों के दोनों सिरों पर स्थिरता है। बनने से पहले लकवा था, इसका मतलब ये राजकुमारी सुइंग नहीं है बल्कि कोई और है। छोड़ना मत, मारो। डरा क्यों रहे हो? जान लोगे क्या? ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु समीक्षक लियू सिपिंग बड़े कलाकार हैं। उन्होंने मामलों को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित किया और कई गणमान्य व्यक्तियों को नाराज कर दिया। अंत में उनका पूरा परिवार खत्म हो गया। तब से लियू सिपिंग और उनका लाल छाता गायब है और उसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता है।
ये अभी तक ताली बजा रहा है। बहुत अच्छे। देखो जरा। ये छाता जुगनुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। वैसे ये कहानी बहुत ही उत्तम है और मैं तहत का शुक्रिया अदा करता हूँ। अगली बार इस बात पे जोर देना कि वो कितने आकर्षित और अद्भुत हों, इस बात पे विशेष ध्यान देना उस्ताद। जरूर, शुक्रिया भाई। हाँ। अरे ये क्या कह के गया? हाँ, देखो देखो। अरे तुम लोग खाना खाओ ना। देखो क्या क्या कर गया। अरे शाबाश 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 शाबाश। हमें बस अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। इश्क मोहब्बत ये सब बेकार की बातें होती हैं। पहले तुम लोग बड़े हो जाओ, उसके बाद बात करना इस बारे में। चलो चलो जाओ, ये लो जाओ जाओ जाओ, आपस में बांट के खाना। अरे रुक, कहाँ जा रहे हो? ये अच्छा, वेरी गुड। तुम ठीक तो हो ना? चलो चलो, मैं ठीक हूँ, माफ करना। आगे चलो, क्या करो? माफ करना, मैं चलती हूँ। चलो चलो, हटो हटो, आ गया। साइड साइड साइड। अरे मृत्यु समीक्षा के समान खून का मामला लगता है। नहीं 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 नहीं, मेरे पास अभी जरूरी काम है। नहीं नहीं, मैं तो जाऊंगा। हाँ, इधर। अरे हटो ना। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। महाराज, क्या हो गया? मृत्यु समीक्षक आगे। महाराज, लड़की को बाहर लेकर आओ और छानबीन शुरू करवाओ। जी। मेरी बच्ची, अब हम कैसे जिएंगे? अरे हाँ, ये तो वही लोग हैं। पता नहीं यहाँ क्या करने आए हैं। माफ करना, जरा हटना, जरा हटना, माफ करना, माफ करना, जगह दो। कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। अरे बस इतना ही है, ये क्या है? क्या तुम्हें पता है यहाँ क्या हुआ है? पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। जल्दी से जल्दी आइए, माफ करना। ओके। नहीं 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 नहीं। अब सुनिए, क्या हो रहा है यहाँ? अरे एक बहुत सुंदर लड़की मेरे जैसी यहाँ मर गई है, देखो ना उसके साथ आज कितना बुरा हुआ। हाँ, वो तो है। हाँ, वही तो मैं कह रही। गर्दन पे निशान है, दम घुटने से मौत हुई है या खुदकुशी है? हाँ, तो खुदकुशी। क्या तुम जानते हो कि लिन ने आखिर खुदकुशी क्यों की? हमसे गलती हो गई, मेरी बच्ची मर गई। अरे माफ करना। हम्म।
बोलो ये तुम्हारी बीवी ने क्या कहा? देखिए ऐसा है, मेरी बच्ची एक लड़के से प्यार करती थी, उसका नाम ली है, अच्छा लड़का था, मगर बचपन में ही उसकी मंगनी हो चुकी थी और उन्होंने मंगनी तोड़ने से इनकार कर दिया। अब आप ही बताइए हम क्या करें। ओह, तो ये बात है, लिन उससे शादी करना चाहती थी जिससे वो प्यार करती थी, मगर तुम दोनों राजी नहीं हुए, इसी वजह से उसने खुदकुशी कर ली। चलो मामला खत्म हुआ। आप लोग थोड़ा जल्दबाजी में है, रुकिए तो सही। अरे कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, जरा हटना। अरे मगर तुम कौन हो और अंदर कैसे आए? मैं कौन हूँ और अंदर कैसे आया ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि इसने खुदकुशी की भी है या नहीं। क्या कहा तुमने? मैं कह रहा हूँ कि ये खुदकुशी नहीं है। अरे अरे कैसे सैनिक बनोगे तुम, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? हाँ साफ दिख रहा है मुझे। बाहर निकालो इसे। अरे रुक जाओ, मैं एक उच्च शव समीक्षक लियू सिंपिंग का शिष्य हूँ, मुझे प्यार से लोग शैंगशी बुलाते हैं और मैं उच्चतम जासूस भी हूँ। सोंगसी? सोंगसी क्या कह रहे हैं? अभी तो उसने बोला कि वही सोंगसी है, तुम बुद्ध हो तुम। हो शुक्रिया शुक्रिया, आप लोग मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। कौन है तुम? जानते तुम सच में लियू सिपिंग के शिष्य हो? हाँ तो ठीक है, तो इस बात का सबूत दो कि इसने खुदकुशी नहीं की है। बहुत ही आसान है, इसका कद देखा है आपने? बस इतना ही? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, भला इससे कद का क्या मतलब है? जो बोलना है साफ बोलो। मतलब वो फंदा मेरे कद से भी बड़ा था, और इसे देखो इसका कद तो मुझसे भी कम है। ये अपने आप को उस पे कैसे लटकाती? इसके अलावा आप इस मामले को इस तरह से देखेंगे? हाँ सही बात है, मैंने इसके बिस्तर पे किसी आदमी के जूतों के निशान देखे, जबकि ये शादीशुदा भी नहीं है। उस आदमी के जूतों के निशान वहाँ कैसे पहुँचे? आपको नहीं लगता इस बात पे संदेह करना चाहिए? बिल्कुल सही कहा। अरे ये कौन आ रहे हैं? ये कौन है यहाँ पर? ये अचानक यहाँ पे कैसे आ गए? पहले तो कुछ नहीं लगता है। मुझे तो लगता है कुछ खतरनाक करने वाला है। अब ये कौन है? अरे कपड़े, लाल छाता, वही दाढ़ी, 1.8 मीटर का कद, गहरी आंखें। श्रेष्ठ मृत्यु समीक्षक लियू सिंपिंग। आइए उस्ताद। देखो वही है। मैं कोई उस्ताद नहीं हूँ, फकीर आदमी हूँ। रुको, मैं तो भूल ही गया था कि मेरा कोई शिष्य भी है तुम्हारे जैसा। कांस्टेबल तांग। बोलिए उस्ताद। जांच की तैयारी करो। आओ। जी क्या चाहिए तुम्हें? तुम करो। क्या मैं? तुम्हारे पास 2 घंटे हैं जिससे मैं तय करूंगा कि तुम मेरे शिष्य हो या नहीं। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। पर्चा भरना शुरू करो। लिंग जाओ योंग, 16 वर्ष, कट 1.5 मीटर, सिर पैर में कोई चोट नहीं, गर्दन पर निशान लगा है, 10 सेंटीमीटर का 1 इंच चौड़ा और 1 सेंटीमीटर गहरा, चोट मरने के पहले की है और गर्दन के पीछे लाल निशान है। लगता है ये निशान गला कसने से आया है, इसका मतलब ये है कि इसकी मौत गला घोटने से हुई है। ये खुशबू क्या हुआ?
वो क्या है कि इसमें से एक अलग तरह की खुशबू आ रही है। मैं तुम्हें अपना यह लाल छाता देता हूं। शुक्रिया उस्ताद। अरे ताद लियो, अब मैं मामले का विवरण कैसे बताऊंगा? मैं बताता हूँ ना, हमारे परीक्षण के अनुसार बना लीजिए। जो खूनी है ना, उसके बाएं हाथ में सिर्फ चार उंगलियां हैं, समझे ना? मतलब खूनी चार उंगलियों वाला है। मतलब ली, ये कैसे हो सकता है? ये ली कौन है? हमारी बच्ची के रक्षक हैं। ली को अभी हिरासत में लो, चलो। उस्ताद, ये तो वही खुशबू है। आखिर ये खुशबू इस भीड़ में से क्यों आ रही है? अक्सर खूनी खून करने के बाद उस जगह पर जरूर आते हैं। हो सकता है वो भी इस भीड़ में शामिल हो। मैं सही सोच रहा हूँ, वो इन्हीं में से कोई होगा, ये पक्की बात है। Hey, hey, रुक जाओ, रुको। भाग क्यों गया यहाँ से? अरे अरे भाग ले क्या? अरे बाबू, अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, ये नहीं चल सकती क्या? अरे रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? मैं जो काम है सोचूंगा एक बार। अरे दिमाग खराब है क्या? अरे पागल हो क्या? क्या कर रहे हो ये सब? अरे मेरे चीजों का पैसा तो देकर जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ, तुम खूनी हो। अरे क्या कर रहे हो? हे छोटू, वो गेंद मुझे दो। ये एक दो तीन चार पाँच। तुम ली नहीं हो ना? हाँ बेवकूफ, मैं नहीं हूँ वो। हाँ चलो उठो। अरे पहले तुम वहाँ से भागे क्यों? मुझे देख के नहीं भागना चाहिए था। तुम मेरे पीछे भाग रहे थे ना? लेकिन पहले तुम ही तो वहाँ से भागे। अगर तुम मेरे पीछे नहीं भागते तो मैं क्यों भागता? मैं जाता हूँ। तो मैं जिसके बारे में बता रहा था वो बहुत होशियार है। तुम पक्का वही कहानीकार हो ना? किसने कहा था तुमसे ये सब? कहानी सुनाकर कौन पैसा कमा पाता है? बकवास बंद करो और मुद्दे पे आओ। आज सुबह कहानी सुनाने से पहले एक औरत मेरे पास आई और उसने अपनी कहानी पढ़ने को जो तुमने सुनी, बोली ये कहानी लियू सिपिंग की है। उसने चांदी का सिक्का भी दिया और उसे किसी को ढूंढना है लिन जियोनियंग के घर पर। उसने कहा एक और चांदी का सिक्का देगी जब काम हो जाएगा। अब ये करने के लिए मुझे किसी और को पैसा देना पड़ता ना, इसीलिए मैंने ही अपनी मुझे काट डाली। लेकिन फिर भी तुमने मुझे पकड़ ही लिया। बढ़िया बनाते हो। नहीं 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 भाई, आराम से बात करते हैं ना। बल्कि मेरी जेब में जो है सब कुछ ले लो। ये वही चीज है? हाँ वही है, उस औरत ने तुम्हें देने के लिए कहा था, पर उसने ये अंधेरा होने से पहले देने के लिए कहा था। मुझे लगता है अब अंधेरा हो चुका है, अब मुझे दे देना चाहिए। वैसे अभी वो कहाँ होगी? अब मुझे नहीं पता, उसने मुझे बस ये तुम्हें देने को कहा था। मुझे लगता है तुम्हारे खून में गर्मी बढ़ गई है, क्यों ना थोड़ी बाहर निकाली जाए? नहीं नहीं नहीं, उसने कहा था लिचुन के वैशाले में लेंगुए को ढूंढना। लेंगुए कौन है? लेंगुए लिचुन के वैशाले की सबसे खूबसूरत लड़की है। तो मैं चलता हूँ। मुझे ठीक तो करके जाओ। एक घंटे में ठीक हो जाओगे। अरे ऐसा मत करो भाई। भाई साहब, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये देखो, इसका इस्तेमाल करो, तुम्हारी बीवी खुश हो जाएगी। मेरी शादी नहीं हुई है। अच्छा, कुछ और दिखाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, दरअसल मुझे ये जानना था कि ऐसी खुशबू जैसा आपके पास कुछ है क्या?
क्या वो तुम्हारी दोस्त है? हाँ? यहाँ अजीब तरह के लोग रहते हैं। हाँ? नहीं भाई साहब, यहाँ पीछे का दरवाजा है। हाँ, उस तरफ। क्या हुआ? मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैं कहाँ कह रही हूँ, तुम्हारी सड़क है क्या? यहाँ से नहीं जा सकती। अच्छा, तो तुम मेरा पीछा नहीं कर रही? नहीं। लिपस्टिक और पाउडर, जाओ। हाँ। तुम पीछा कर रही हो ना? आधी रात को मेरे पीछे ये दीदी आ रही हैं, है ना? मैं तुम्हारी दीदी नहीं हूँ, मैं पुरुष हूँ। अच्छा। ए बदतमीज, छूना नहीं। ओ बदतमीज, अगर मेरा पीछा किया तो तुम्हें बदतमीज घोषित कर दूंगा। हाँ बदतमीज करूंगी, पीछा करूंगी, पीछा करूंगी। आ जाओ आ जाओ। अरे आओ ना, आ जाओ। आइए जनाब, चलिए हमारे साथ अंदर, चलिए। अलविदा। गंदा, नीच, ठरकी। मुझे बता सकते हैं लाइन क्यों कहाँ है? वाली है, वही है। बहुत मजा आ रहा है। ये है क्या? हाँ बिल्कुल सही कहा, वही है। भाई तुम भी यहाँ थैंक यू के लिए आए हो क्या? अच्छा 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 हुआ आज रात को ही आए तुम। अच्छा हुआ आज रात को ही आए हो। क्या कहा? आज लेंग्यू हवा में गेंद उछालेगी, जो उस गेंद को पकड़ लेगा वो लेंग्यू के साथ आज की रात बिताएगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
कहाँ हो तुम? अरे यहाँ नहीं लगती है, लगता है यहाँ पहली बार आई है। आइए मैं आपका साथ देती हूँ। अरे मेरी बात सुनो, अगर तुम ऐसे ही बिस्तर पे लेटी रहोगी तो तुमसे बात करने में बड़ी मुश्किल होगी। बाहर आ जाओ ना, मामले को सुलझाने के लिए मुझे ही कुर्बानी देनी होगी। अरे बाप रे! अरे अरे क्या हुआ जनाब? आप तो यहाँ पर नहीं लगती है, मैं आपके लिए कोई लड़की बुलाऊं? नहीं नहीं नहीं, क्या आपको पता है आप यहाँ पहली हैं जिसने लड़की के लिए मना किया है। माँ बुरी खबर है, सिपाही लोग आए हैं, वो किसी को पकड़ने आए हैं। सच में? देखिए ना। हटो रास्ते से, जल्दी हटो। अरे हटो मेरे रास्ते। हट जाओ। अरे जनाब आप बड़ी जल्दी में लग रहे हैं, यहाँ कोई गुनहगार नहीं है जनाब, मैं आपसे सच कह रही हूँ। कोई नहीं पकड़ने आए हैं, ऊपर चलो। अरे चलो। नहीं, अरे क्या हो रहा है यहाँ पर? यही है ली। उस्ताद मैं इतना कह सकता हूँ कि इसका खून किसी चार उंगलियों वाले ने किया है, खूनी चार उंगली वाला है। क्या कहा ली? हा? ये कैसे हो सकता है? कौन ली? उसने मेरी बेटी को बचाया था। ए, तुमने इसे क्यों मारा? ये वो नहीं है जिसने लीन को मारा है। वो कौन है? जानना नहीं चाहोगे कि उसे मारने वाला और बटुए में रखी खुशबू दोनों एक जैसी कैसी है? तुम मुझसे सवाल मत पूछो, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। जवाब जानना है तो इसे बेकसूर साबित करो, और उसके बाद जो तुम चाहते हो वो सब कुछ तुम जान जाओगे। इस तरफ जाओ, ठीक है? तो मेरी बात तो सुनो। मैं सच कह रहा हूँ। मेरी बात तो सुनो। मजे करो। माफ करना, मगर तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। अफसर और सिपाही आते ही होंगे, मैं 5 तक गिनूंगी। 5 4 वहां कुछ नहीं है। 3 खून। पकड़ो, चलो चलो जल्दी जल्दी आओ। रुक जाओ। अच्छा तुम हो क्या? ठीक है ठीक है, जाओ। सैंची, तुमने मेरी काफी मदद की। ये वही है, पकड़ो उसे, पकड़ लो, उसने मारा है ली को। पकड़ो, पकड़ लो, जाने मत दो। पकड़ो उसे, रुक जाओ, रुको, रुको, मैंने कहा रुक जाओ, रुको, चमको, एक, अबे हट जा। अरे बच्चा कहाँ भाग रहे हो? रुक जा, रुक। अरे रुक जाओ। अरे मैं ठीक हूँ, तुम लोग जाओ। चलो, रुक रुक। कूद कूद ना, बहुत तेज भाग रहा था ना।
अब कूद, अरे कूद रहा। अरे कूदना, क्या हुआ, डर लग रहा है क्या? पकड़ लो मुझे। चलो फिर से भगाता हूँ। दरवाजा खोलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रुक जाओ, चलो पकड़ो उसे। चलो चलो चलो। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तुम लोग लगे रहो। बच गया, शुक्रिया। हो गया बस। हमेशा आदमियों के कपड़े क्यों पहनती हो? आदत है क्या तुम्हारी? मुझे आदमी ही पसंद है। मुझे लेके कुछ ज्यादा मत सोचना। हाँ? तुम तो बेशरम हो, तुम दुनिया में सबसे बेशरम हो, जानते हो? क्या चाहिए तुम्हें? अरे सुनिए, यमन किधर है? उस तरफ है। हाँ शुक्रिया। ए पकड़ो, इधर है, इधर पकड़ो, पकड़ो, चलो यही है, चलो चलो जाओ, जल्दी आओ, जल्दी मत रहो, पकड़ो, रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ, रुक, चलो पकड़ो, पकड़ो इसे, छोड़ना मत उसे, चलो चलो जल्दी, चलो चलो जल्दी करो, पकड़ो इसे, चलो चलो, अरे काम छोड़ो, क्या कर रहे हो? आ जाओ, चलो चलो, रुको रुको रुको, तुम इधर और तुम इस तरफ जाओ, मैं हल्का होकर आता हूँ, जाओ जाओ जाओ। रास्ता साफ है, चलो। अरे बाप रे, अब और नहीं भाग सकता मैं, नहीं भाग सकता। तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? तुम्हारा नाम सोंगसी है? मैं जानता था तुम मुझे जानती हो। मेरे हस्ताक्षर चाहिए क्या तुम्हें? मेरा नाम सुवांगर है। हाँ, लाओ दो। हाँ? क्या कहा? कागज और कलम, तभी तो हस्ताक्षर दूंगा। क्या? जनाब, मैंने इसे पकड़ लिया। हाँ? ये क्या? जल्दी आओ। नहीं, तुम्हारा शुक्रिया, ले जाओ इसे, जाओ। मेरा फर्ज था। अरे मैंने उसे नहीं मारा है। जब तुमने नहीं मारा तो फिर भागे क्यों? क्योंकि तुम लोग मेरे पीछे भाग रहे थे। तुम भागे इसलिए हम लोग भी भागे। हर मामले में तुम इतनी जल्दबाजी क्यों रहती है? हमारे पास सबूत भी है और गवाह भी है। खामखा तुमसे बहस क्यों कर रहा हूँ, सुनवाई के बाद पता चल जाएगा। चलो चलो भी। क्या कहा? ए, अरे वापस आओ, मैंने उसे नहीं मारा है। मेरी बात सुनो, मैंने उसे नहीं मारा है। ए, कहाँ जा रहे हो? सुनो तो सही, वापस आ जाओ। चिल्लाओ मत। उस्ताद, आप यहाँ कैसे? मैं भी नहीं जानता, मुझे किसी ने घायल कर दिया जब मैं ली को बचाने गया था। ली? सोंगसी को यहाँ क्यों लेकर आए हैं? उसे तो सरकारी जेल में होना चाहिए। तुम उधर से चलो। अरे जल रहा हो ना, वही तो। मुझे धक्का मत दो। अरे क्या धक्का, कौन दे रहा है? तो पता है काम मेरी बात में क्या करता हूं। अरे ठीक है, लेकिन तुम भी ना, क्या कर रहे हो तुम यहां? मजे करो, सही बात है। चलो बहुत मजाक करते हो। सोंगसी को पकड़ा और अब चाहते हैं वो भाग जाए, ऐसा क्यों? ये जल क्या रहा है?
उस दिन लीन परिवार में मैं हैरान हो गया था जब उसका शरीर खुद ब खुद जल उठा, क्योंकि ये वैसा ही था जैसा राजकुमारी स्विंगजिंग का शरीर खुद ब खुद जल उठा था। आग! इस बार भी शरीर खुद बखुद जल उठा। हमें इस सबूत पर ध्यान देना चाहिए। हाँ सही कहा तूने। चलो चल के पीते हैं। और तुम इस तरफ जाओ, जाओ 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 जाओ। हाँ ये देखो। अरोमा, ये तो वही खुशबू है। खूनी किसी को मारने के बाद उस जगह पे जरूर आता है, पता नहीं वो भी इन्हीं से कोई ही होगा। ए रुक जाओ। अरे 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 अरे, ये क्या है? जानना नहीं चाहोगे कि उसे मारने वाला और बटुए में रखी खुशबू दोनों एक जैसी कैसी है? जो खुशबू इसमें से आ रही है वही खुशबू इसमें से भी आ रही है। इसका मतलब वो इसी का प्रयोग करती है। हाँ, मैंने सबूतों का पीछा किया और एक गांव मीनार फ्लावर में पहुंचा। यहाँ से वो ज्यादा दूर नहीं है। वहां पे मैं ली से मिला। सुनिए, नमस्कार। सुनो भाई। नहीं पता है, नहीं पता है। कोई है क्या? क्या कोई है? हाँ साहब, कमरा दिखाऊं या आप खाना खाएंगे? एक कमरा। हाँ, वहां पीछे अपने आप देख लीजिए। शुक्रिया। अरे जरा एक मिनट, एक मिनट, मेरी बात मानिए। आप यहाँ से चले जाइए, ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्यों? आप नहीं जानते, एक बहुत बड़ा परिवार था। वो पश्चिम क्षेत्र से एक फूल लेकर आए थे, मीनांग का फूल। जब वो खिलता है तो बहुत आकर्षित करता है, मगर कुछ वक्त बाद वो परिवार गायब हो गया। लोग कहते हैं ये सब उस फूल के शैतान की वजह से हुआ है। तब से ये शहर वीरान हो गया। फूल का शैतान? हाँ वीरान। हाँ चार उंगलियां, यही ली है। कहाँ जा रहे हैं? वो शैतान आ गई है। ले चलो इसे। कहाँ जा रहे हो? दवाई चाहिए क्या? क्या कर रहे हो तुम? एक और नया मेहमान आया है। चलो।
रुको, पकड़ो इसे जल्दी। जनाब, आखिर आप आ ही गए ना? जियोनियांग, जियोनियांग मर चुकी है ना? मैंने उसे मार डाला। ए! रुक जाओ। राजकुमारी शुइंग, राजकुमारी शुइंग, काम हो गया? फिक्र मत करो, हमने उन्हें बहुत मौके दिए हैं और मुझे लगता है कि संगसी जरूर निकल जाएगा और हमने जो जाल बिछाया है वो सफल होगा। अगर आप कहें तो पहले लाश ठिकाने लगा दें। जरूरत नहीं। अगर सांगसी को सच पता चल गया तो? उसकी परवाह मत करो। ली पे शक गलत था। अगर राजकुमारी ये गुनाह कर रही है तो सरकार उन्हें मौत की सजा क्यों नहीं दे रही है? यू नो चलिए, वो वहां के 90वें राजकुमार, उन्होंने वहां राजकुमारी की जगह पर उसकी नौकरानी को रख दिया था। लियू सिपिंग। महाराज, हालांकि शरीर बुरी तरह से जल चुका है, फिर भी मैं इसकी तह तक जाऊंगा। और हड्डियों के दोनों सिरों पर स्थिरता है। मरने से पहले लकवा था, इसका मतलब ये राजकुमारी सुइंग नहीं है बल्कि कोई और है। तब मुझे पता चला कि वो जला हुआ कंकाल राजकुमारी का नहीं था, फिर उस परिवार के 32 लोग मार दिए गए और ये सारी मौतें इसी मामले के चलते हुई हैं। अपने आप को संभालिए। अगर आपको भविष्य में सहयोग की जरूरत पड़े तो? मैं संभाल लूंगी, आगे जो भी होगा। आपके हिसाब से राजकुमारी ली को पसंद करती थी, इसलिए उन्होंने लिन को मार दिया बिल्कुल पहले वाले तरीके से, लाश भी जला दी गई। और अगर जनता को इस बारे में पता चलता तो 9वें राजकुमार का परिवार खत्म हो जाता, क्योंकि ये अपराध बहुत ही जघन्य है। वैसे ये अपराध संगीन अपराध की श्रेणी में आता है। उस्ताद, वैसे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि राजकुमारी ने अपने आप को मारा क्यों नहीं बल्कि खुद को गिरफ्तार करवा लिया, ऐसा क्यों हुआ? और वो ली, अगर राजकुमारी उसे पसंद करती थी तो वो उसे मार कैसे सकती हैं और उसका इल्जाम किसी और पे वो कैसे डाल सकती हैं? अरे ये सब भला कैसे हो सकता है? कौन है? तुम्हारे गणित के हिसाब से ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, मगर मैं जानता हूं हमारे न्यायाधीश पूरी तरह से राजकुमारी के साथ हैं। राजकुमारी ने मुझे पकड़ लिया और मैं यहां जेल में डाल दिया गया। पता है, जब मैं वैश्याले में था तो वहां मुझे एक लड़की मिली, वो कह रही थी ली को बेगुनाह साबित करो। आपको लगता है उससे राजकुमारी का कोई लेना देना है? और वहां एक चिपकू भी थी जो मेरा पीछा कर रही थी। क्या कहा, चिपकू? आप लैंग्वेज को जानते हैं? नहीं, क्यों?
नहीं, मैं ऐसे ही पूछा था, आपने सिर्फ चिपकू पे क्यों ध्यान दिया? हा? नहीं नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूं। लैंग्वेव लिचुन के वेश्याला की सबसे खूबसूरत लड़की है। ओ, यही तो मुसीबत है। खैर, अब इन सबसे क्या मतलब है, कर भी क्या सकते हैं। एक ही रास्ता है, अब यहां से निकलना होगा और सच का पता लगाना होगा। जासूसी हो गई तुम्हारी? इससे पहले कि मैं तुम्हें मार डालूं, तुम कौन हो ये मुझे बता दो। तुम तो गई। क्या आप इस लाश को ठिकाने लगाना चाहती हैं? जरूरत नहीं, ये सॉन्ग सिंह के लिए सबूत बन सकता है। और मुझे लगता है कि संग सी जरूर निकल जाएगा और हमने जो जाल बिछाया है वो सफल होगा। उस्ताद, सुबह हो गई है। क्या बात है, इन सलाखों में कोई कैदी क्यों नहीं है? आखिर क्या बात हो सकती है? क्या देखा? कौन कौन था वहां? कुछ नहीं। तो फिर आप पलटी क्यों? हाँ, ऐसे डरो मत, चलो। सुनिए, यहां कुछ खतरा है, क्यों ना हम पीछे की तरफ चलें? बोलिए, बोलिए ना।
उस्ताद हम पीछे चलते हैं, चलिए ना। हाँ चलिए पीछे चलते। बचकाने खेल। अरे ये बस खिलौने। पूर्णिमा की रात कौवे दक्षिण को जाते हैं, मिलना कठिन है पर बिछड़ना भी कठिन है, पूर्वी हवा सुस्त है और फूल बर्बाद हो रहे हैं। पहली दो पंक्तियों को काऊ काऊ ने लिखा है और आखिरी दो को ली शोइंगोइंग ने। दोनों राजा ही थे लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। हाँ ये तो बड़ा अजीब है, तस्वीर इतनी साफ कैसे, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। दक्षिण पूर्व दिशा के बारे में कह रहा है। दक्षिण पूर्व दिशा में ऐसा क्या होगा? दक्षिण पूर्व हाँ, ये तो बहुत ही अजीब है। सारी किताबों पे मकड़ियों ने जाला बना रखा है, सिर्फ इसे छोड़ करके क्या हो सकता है ये? हाँ देख तो, उस्ताद उस्ताद ये देखिए, ये देखिए। सांगसी सांगसी कौन है? कौन हो तुम? उस्ताद मैं यहाँ हूँ। अरे ऐसे ही आ गया। अरे अरे नहीं 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 मुझ पे ध्यान क्यों नहीं दिया इन्होंने? ऐसे खड़े क्यों हो? चलो वहां जाओ। हाँ? कहाँ जाऊं? जाकर नहा लो जल्दी, राजकुमारी इंतजार कर रही है। हाँ अभी जाता हूँ।
जनाब, नए लोग आ गए। बेवफा आशिक, घिनौने हो तुम। तुम्हारे जैसे मर्द सबके सब बुरे होते हैं। तुम यहाँ आओ। बधाई हो, बधाई हो। चाहिए? आओ, तुम आओ। सारे खूबसूरत नौजवान घिनौने होते हैं। जरूरी नहीं है। बात करने की इजाजत किसने दी? ले जाओ इसे और इसका सर कलम करो। नहीं नहीं, ये सब तुम राजगति वाले क्या करते हो? कुछ अलग नहीं कर सकते हो क्या? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? पता है मैं कौन हूँ? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुम लोगों में से कोई नहीं जानता है। जाओ यहाँ से। मार डालो। अरे रुक जाओ, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। मुझे बस सुरक्षित निकलवा दो यहाँ से। सुना ना तुमने, ये मुझे कुछ भी नहीं करेगा। मार डालो इसे सबके सामने। डरो मत, तुम ठीक हो? तुम यहाँ? मैं ही हूँ। मुझे मारा क्यों? तुम राजकुमारी स्वयं हो ना? नहीं, मैं वो नहीं हूँ। तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। अरे इसी की तो जरूरत थी मुझे। ये तुम्हारे पास कैसे, कहाँ मिला तुम्हें ये? मास्टर, तुम लियो स्पिंग की बेटी हो? हाँ। क्यों, विश्वास नहीं होता? दीदी, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ। ये सच हमेशा एकदम से सामने क्यों आ जाता है? अच्छा सुनो, मैं कब से यहाँ इधर उधर भटक रही हूँ। एक मौके की तलाश में हूँ कि उस परिवार के लोगों को न्याय दिला सकूँ। ये सही है, मुझे लोगों को न्याय दिलाना पसंद है, इसलिए मैं करता हूँ ऐसा। सच्ची? सुनो, ठीक है? हाँ। चलो चलते हैं अलग अलग। ख्याल रखना। हाँ। ए, मैं इस तरफ हूँ। पकड़ो उसे। अरे चलो उस तरफ चलो। अरे उस्ताद, उस्ताद। ये रहा, पकड़ो इसे। पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो इसे। रुक जाओ। गरीब। बस बहुत हो गया, जो करना ही करो, मैं यही बैठा हूं। सब कहते हैं मैं फूलों की शैतान हूं, तुम्हें भी ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं, फूल का कोई शैतान नहीं है, बस तुम दुखी हो। ऐसा क्यों? और क्या, खुद को देखो। तो फिर मैं दुखी क्यों हूं बताओ? तुम ऐसा क्या जानते हो बोलो? तुम इश्क में कैद हो। क्या जानते हो तुम? सरकार ने
एक परीक्षा रखी थी। जो जीता वो नगर और सेना दोनों में उत्तीर्ण था। उसका नाम था यू फेंग। सरकार ने उसे 3 दिन के घोड़े की परेड की इजाजत दी। वो नायक बन चुका था। वहाँ एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था सुई यिंग। वो इसी राज्य में पली बड़ी थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। राजकुमारी सुई को उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया, मगर वो तो रसिया था। उसे अपनी बचपन की मोहब्बत से प्यार था, लेकिन उसे उम्मीद ना थी कि उसका प्यार दुनिया छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि वो तो उसे बहुत प्यार करता था ना। और जब राजकुमारी ने ये सब देखा तो उसे लगा कि उसका प्यार उसे कभी मिल नहीं पाएगा और वो बहुत दुखी हो गई। मेरा प्यार चुराया तूने, बड़ी लालची हो तुम। तभी वहां दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शव परीक्षक आता है, यू फेंग। इस मामले को देखता है और वो सुलझाता है। रानी को ये डर होता है कि अगर ये मामला बाहर आ गया तो राजकुमारी को मौत की सजा सुनाई जाएगी। लगता है तुम्हें काफी कुछ पता है। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, राजकुमारी को मरे 10 साल हो चुके हैं, अब भी तुम यहाँ पर क्यों हो? हाँ, इसी सवाल का जवाब चाहिए मुझे। अगर ऐसी बात है तो ये सवाल ऊपर जाके पूछो। मार दो इसे। मैं तमीज से पेश आ रहा हूँ तो ये लोग बतमीजी कर रही हैं। चलो चलो, अरे ये लोग कौन है? ये यहाँ क्या कर रहे हैं? जल्दी जल्दी जाओ। चलो चलो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, आराम से चलो चलो। मल्लिका, देखिए, आप ऐसे ही छुपती रहती तो एक अच्छा व्यक्ति कैसे मिलता आपसे बात करने के लिए? अब जो व्यक्ति आपको मिला है उससे आप अच्छा व्यवहार करिए ना, अच्छे से पेश आइए। जब मैं तुम्हारे हाथ पैर दोनों काट दूंगी फिर मैं अच्छे से पेश आऊंगी। आप जानना चाहेंगी फुयिंग कहाँ है? कहाँ है वो भी छुपा बैठा है। झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ क्यों बोलूं? राजकुमारी स्विंग। उस्ताद, बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई। कौन हो तुम? लियु सिपिंग। हे, खड़े रहो। रुक जाओ। मैंने कहा रुको। कहाँ जा रहे हो? चुपचाप यहाँ खड़े हो जाओ। तुम मरे नहीं, अच्छी बात है। आज मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार के पास भेज दूंगी। अरे रुको ना, पहले यू फेंग को तो आ जाने दो। वो यही है क्या? मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? हे लियु, मैं सच कह रहा हूँ ना। चलो इन चुड़ैलों को लेकर जाओ। रुक जाओ, हिम्मत तो देखो। क्या कहना चाहती हो तुम? हाँ, जब राजकुमारी यहाँ है तो तुम इतने उतावले क्यों हो? राजकुमारी जी, मुझे माफ कर दो। बेवकूफ, क्या बकवास कर रही हो? राजकुमारी 10 साल पहले मर चुकी है। ये लो, ये देखो। उठ जाओ, जिन्होंने मुझ पर हमला किया है उन्हें गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करो इन्हें। रुक जाओ, मेरे पास सरकारी चिट्ठी है तो कोई बदतमीजी ना करे। हुजूर जैंग, आप तो जानती हैं ना कि राजकुमारी 10 साल पहले मर चुकी हैं।
या फिर मैं आपको बताऊं कि राजकुमारी मर चुकी है। माफ करना जनाब, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। बहुत अच्छे, चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनना सब लोग। जब मैं यहां पहुंचा तो पहले मुझे वो कहानीकार मिला, लियो सिंपिंग की कहानी बताई उसने मुझे, और वो लियो सिंपिंग की कहानी सुना रहा था। ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु समीक्षक लियो सिपिंग बड़े कलाकार हैं। उन्होंने मामलों को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित किया और कई गणमान्य व्यक्तियों को नाराज कर दिया। अंत में उनका पूरा परिवार खत्म हो गया। तब से लियो सिपिंग और उनका लाल छाता गायब है और उसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता है। क्या बात है, बहुत अच्छे। और फिर उसने मुझे लियो सिंपिंग से मिलाया और मुझे लगा कि वो मेरी मदद कर रहे हैं। अरे ये कौन है, ये कौन है, जरा देखो तो, यहाँ क्या कर रहा है? सर्वश्रेष्ठ मृत्यु समीक्षक लियो सिंपिंग। कांस्टेबल तैंग, बोलिए उस्ताद। इसकी जांच के लिए तैयार हो जाओ। हाँ। मैं तुम्हें अपना लाल छाता देता हूं। मेरी बच्ची। मेरी बच्ची। उस लाल छाते से सूर्य की गर्मी एक जगह पर पड़ी और शरीर में आग लग गई जिसमें पहले से फास्फोरस लगा हुआ था। वो समझ गया था शरीर में आग लग गई तो फिर किसी के हाथ कुछ नहीं आने वाला, और मैंने उन सबूतों का पीछा किया। मेरे हिसाब से आप लिख दीजिए कि इसका खून करने वाला कोई चार उंगलियों वाला है। क्या कहा ली? हाँ? इसकी तो पांच उंगलियां हैं। हाँ बेवकूफ, मैं नहीं हूं वो। ये लोंगयोंग कहां मिलेगी? मैं आसानी से लोंगयोंग से मिल गया क्योंकि वो वैश्यालय में थी। पर मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे लिए कोई बहुत बड़ा जाल इंतजार कर रहा है। कहां हो तुम? खून हो गया। अरे ये क्या? अरे अरे, मैंने उसे नहीं मारा है। जब तक मुझे कुछ समझ में आता, मैं और लियू जेल में थे। वहां कोई कैदी नहीं था और ये कोई इत्तफाक नहीं हो सकता। लियू जैंग का खुद ब खुद जलना और श्वांगर ने कहा कि वो भी खुद ब खुद जल गया, और ये सब सूरज की रोशनी की वजह से हुआ। जब लियो सिंगपिंग राजकुमारी सुइंग के शरीर की जांच कर रहे थे तब भी यही हुआ था, जो भी उसने ही किया। और मैं राजकुमारी सुइंग तक पहुंच गया जब, क्योंकि मुझे ये साबित करना था कि राजकुमारी सुइंग जो लोगों के सामने मर चुकी हैं वो जिंदा हैं। अगर ये साबित हुआ तो उनका राज्य तबाह हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उनके परिवार को खत्म कर दिया। लेकिन क्या करें, यू फैंग, मैं जानता हूं तुम इससे बहुत नफरत करते हो और ये सब करने के लिए तुमने मुझे इसमें फंसा दिया। हाँ, क्या समझ रखा है मुझे तुमने? मैं नहीं जानता तुम क्या कह रहे हो। अरे इन्हें तो मालूम ही नहीं है। यू फैंग ली सिंपिंग बनने की कोशिश कर रहा है। अरे बाप रे, तुम्हें कैसे पता चला? खुद ही देख लो। चुप रहो चंडाल औरत, लैंग्वेज खत्म कर दो। Ugh!
अदालत को न्याय करने दो, कानून अपने हाथ में मत लो। हे ईश्वर मुझे बचा लो मुझे, हे ईश्वर मेरी रक्षा करो, बचा लो मुझे, हे ईश्वर बचा लो मुझे। ईश्वर मेरी रक्षा करो। सरकार मैं जानता हूं कि मैं गलत था। थोड़ी जगह दीजिए। क्या कह रहे हो? तुम रोने वाले हो ना इसलिए। अच्छा, दो दिन पहले मैंने कागज देखा, दो लाशें गायब थी मुर्दा घर से, एक आदमी की थी और एक औरत की थी। तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए मुझे उन दोनों को गायब करना पड़ा था, उन्हें लीन और ली बनाने के लिए। तो वो सब नाटक वाले थे? हाँ, उनमें से कुछ सिपाही और जांच करने वाले असली थे। हा? वो सब मेरे साथ ही काम करते थे, सब सिंजर के लिए दुखी थे और बदला लेना चाहते थे। मैंने तुम्हारा बदला ले लिया, सच कह रहा हूं ना? इसके बदले मुझे कुछ देना चाहोगे? बताओ क्या चाहिए तुम्हें? अगर कोई और मामला आए ना ऐसा, तो मुझे जरूर याद करना। वक्त खत्म हो गया सर, कलम कर दो। सरकार आपका आभारी हूं। सोंगसी, मैंने सुना है तुमने लाल तेल कागज का छाता छोड़ दिया, क्या तुम ये मानते हो? सरकार, लियू सिंपिंग की तरह वो छाता भी नकली ही था, इसलिए उसे फेंक दिया। ओ, तो असली कहाँ है? This movie is encoded by Dr. Star.